हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ के प्रोच के द होम कमिंग का शॉर्ट आंसर पढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, ताकि बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको समस्या न आए। ये 4 मार्क्स का आता है, आप जानते हो 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रो से, ये करना होता है। आइए शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फटिक, व्हाट डिड ही एंड हिज ग्रुप अब बॉयज डिसाइड टू डू वन डे। फटिक कौन था? वह और उसके ग्रुप के लड़कों ने एक दिन क्या करने का निश्चय किया? आंसर, फटिक वॉज द एल्डर सन ऑफ चक्रवर्ती फैमिली। फटिक चक्रवर्ती परिवार का बड़ा लड़का था। हिज फादर वॉज नो मोर, उसके पिता अब नहीं रहे। वन डे फटिक एंड अदर बॉयज ऑफ द ग्रुप डिसाइडेड टू शिफ्ट अ लॉग लाइंग इन द रिवर बैंक सो दैट द ओनर माइट सरप्राइज। तो एक दिन फटिक और उसके ग्रुप के लड़कों ने ये डिसाइड किया, निर्णय किया कि एक जो लट्ठा नदी के किनारे पड़ा था उसको शिफ्ट करने, लुढ़काने का निर्णय किया, ताकि सो दैट, ताकि द ओनर जो मालिक है उसका लाग का लट्ठे का माइट सरप्राइज आश्चर्यचकित हो। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई हैज फटिक बीन कॉल्ड द रिंग लीडर ऑफ हिज गैंग। फटिक को उसके गैंग का लीडर क्यों कहा जाता है? फटिक लिव्ड इन हिज विलेज, फटिक अपने गांव में रहता था। ही लीड अ ग्रुप ऑफ बॉयज ऑफ हिज विलेज, वह अपने गांव के लड़कों के एक समूह को लीड करता था, मार्गदर्शित करता था। सो ही हैज बीन कॉल्ड द रिंग लीडर, इसलिए उसको रिंग लीडर कहा जाता है। दे वर नोन फॉर मिसचीफ्स, वे लड़के जो उस ग्रुप के थे वे सब के सब मिसचीफ्स के लिए जाने जाते थे, शैतानी के लिए जाने जाते थे। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज माखन चक्रवर्ती, माखन चक्रवर्ती कौन था? हाउ डिड ही स्पॉइल द फन ऑफ दीज बॉयज। तो माखन चक्रवर्ती कौन था? उसने इन लड़कों कि मजे को कैसे बर्बाद कर दिया, स्पॉइल कर दिया, नष्ट कर दिया। माखन वाज द यंगर ब्रदर ऑफ फटिक, माखन फटिक का छोटा भाई था। ही वाज क्वाइट मीन्स शांत एंड इंटेलिजेंट मीन्स प्रतिभावान। तो वह शांत और बुद्धिमान प्रतिभावान था। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, माखन ने निर्णय लिया नॉट टू अलाउ द बॉयज टू रोल द लॉग अवे, कि लड़कों को इस लाग को लुढ़काने की अनुमति न दी जाए, लुढ़काने न दिया जाए। सो ही सैट ऑन द लाग, इसलिए वह लट्ठे पर, लॉग पर बैठ गया। ही केप्ट ऑन सीटिंग, वह बैठा रहा उसी लट्ठे पर बैठा रहा। ही केप्ट ऑन सीटिंग ऑन द लाग, वह लट्ठे पर बैठा रहा इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। फटिक्स थ्रीट मीन्स धमकी ऑफ थ्रेसिंग हिम, तो फटिक ने उसे धमकी दिया था कि उठ जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तो इस धमकी के बावजूद भी वह उस लट्ठे पर बैठा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, हु अराइव्ड एट फटिक्स हाउस, फटिक के घर पर कौन आया? फटिक्स मैटरनल अंकल बेशंबर केम टू फटिक्स हाउस। फटिक के मामा, मैटरनल अंकल मीन्स मामा,
फटिक के घर पर आए। ही हैड गॉन अवे टू बॉम्बे सून आफ्टर द मैरिज ऑफ फटिक्स मदर। तो फटिक के माँ की शादी होने के बाद ही वे बॉम्बे चले गए थे। ही रिटर्न टू कलकत्ता आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो बहुत लंबे समय बाद वे कलकत्ता अर्थात अपने घर वापस आए। ही केम हियर, वे यहाँ आए यानी अपनी बहन के यहाँ आए, टू सी हिज सिस्टर, अपनी बहन से मिलने के लिए आए। टू सी मीन्स मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड फटिक रियली बीट माखन। क्या फटिक ने वास्तव में माखन को मारा था? वाज माखन टेलिंग लाइज टू हिज मदर। क्या माखन अपनी माँ से झूठ बोल रहा था? नो, फटिक हैड नॉट बीटन माखन। नहीं, फटिक ने माखन को नहीं मारा था। ही हैड ओनली रोल्ड माखन अलॉन्ग विथ द लॉग। उसने केवल माखन को लॉग के साथ, लट्ठे के साथ लुढ़का दिया था। माखन स्क्रैच्ड हिज फेस। माखन ने अपने चेहरे को नोच लिया था अपनी माँ को दिखाने के लिए। ही बीट फटिक एंड किक्ड हिम। उसने फटिक को हाथ से और पैर से मारा। सो माखन वॉज टेलिंग अ लाई टू हिज मदर। इसलिए माखन अपनी माँ से झूठ बोल रहा था। छठा क्वेश्चन है, हाउ डिड फटिक बिहेव एट स्कूल। तो फटिक ने स्कूल में कैसा व्यवहार किया? आंसर, फटिक वॉज द मोस्ट बैकवर्ड बॉय इन द स्कूल। फटिक के स्कूल में सबसे पिछड़ा लड़का था, सबसे अधिक पिछड़ा लड़का था। ही डिड नॉट नो एनी आंसर ऑफ द क्वेश्चन आस्ड बाय द टीचर्स। तो अध्यापक जो प्रश्न पूछा करते थे, उन प्रश्नों का कोई भी उत्तर उसको नहीं जा, वह नहीं जानता था। ही वॉज बीटन बाय द टीचर। अध्यापक के द्वारा उसकी पिटाई की जाती थी, वह मार खाता था। ही कुड नेवर मिक्स अप विद अदर बॉयज। वह अन्य लड़कों के साथ मिल नहीं पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, व्हाई डिड फटिक डिसअपियर वन डे। एक दिन फटिक क्यों गायब हो गया? व्हाट वॉज रॉन्ग विथ हिम। उसके साथ क्या गलत हुआ था? वन डे फटिक हैड अ बैड हेडक। एक दिन फटिक को एक बहुत बुरा सरदर्द हुआ। ही वॉज शिवरिंग विथ फीवर। वह बुखार से कांप रहा था। शिवरिंग मीन्स कांप रहा था। ही वॉज डाउन विथ मलेरिया फीवर। उसको मलेरिया बुखार था। ही न्यू द रूडनेस ऑफ हिज आंट। वह अपनी मामी के रूडनेस, अशिष्टता, असभ्यता, क्रुएल्टी को जानता था। सो ही डिड नॉट रिटर्न होम। इसलिए वह घर वापस नहीं आया। ही स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स हिज होम विलेज। वह अपने गांव के घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। Why did बिसंबर कॉल फटिक्स मदर टू कोलकाता। बिसंबर ने फटिक की माँ को कलकत्ता क्यों बुलाया? आंसर, फटिक वॉज सीरियसली इल। फटिक गंभीर रूप से बीमार था। हिज कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल। उसकी स्थिति बड़ी नाजुक थी। क्रिटिकल मीन्स नाजुक। एन अनविल चाइल्ड मिसेस हिज मदर मोर देन एनीथिंग। तो एक अस्वस्थ बच्चा किसी भी चीज़ से ज़्यादा अपनी माँ को मिस करता है, याद करता है। सो बिसंबर कॉल्ड हिज मदर। इसलिए बिसंबर ने उसकी माँ को बुलवाया। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको पसंद आएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू फटिक। आप क्या सोचते हो कि फटिक को क्या हुआ होगा? आई थिंक आफ्टर स्टेइंग इन कोलकाता। मैं समझता हूँ कि कोलकाता में रहने के बाद
फटिक रियलाइज्ड, फटिक ने महसूस किया होगा द वैल्यू ऑफ होम, घर के वैल्यू को, एंड हिज मदर, अपनी माँ की वैल्यू को। ही थॉट अबाउट हिज विलेज, उसने सोचा होगा अपने गांव के बारे में। ही रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ होम ड्यू टू नेग्लेक्ट एट हिज अंकल्स हाउस, तो अपने मामा के घर पर जो उसको नेग्लेक्ट किया जाता था, नज़रअंदाज किया जाता था, सुध नहीं लिया जाता था उसकी, इस वजह से वह अपने घर की वैल्यू को रियलाइज़ किया होगा, महसूस किया होगा। सो हिज कंडीशन वॉज, सो इसलिए उसकी स्थिति ऐसी थी, इतना दयनीय स्थिति थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स एवरी वन ऑफ यू।